કોરોના વાયરસના કહેર વચ્ચે દેશના રાજધાની દિલ્હીમાં પણ લોકો ઘરમાં કેદ છે તેવામાં દિલ્હી સરકારના મુખ્યમંત્રી કેજરીવાલે દાવો કર્યો છે કે દિલ્હીમાં કોરોનાના કેસ ઓછા થઈ રહ્યા છે. સાથે સાથે 5 ડોક્ટરની એક ટીમ કોરોનાની સારવારના પ્લાનિંગ માટે બનાવાઈ છે. કેસ થે કોરોના કે આજ 3 ઓર બઢ ગયા. આજ 39 કેસીસ હૈ કોરોના કે, જિસમે 39 મે સે 29 કેસીસ વો હૈ જો बाहर से आए हुए यात्री जिनको क्वारंटाइन रखा गया था वो समय समय पे उनकी टेस्टिंग हो रही है, तो वो उनमें से जो केसेस निकले हैं. और 10 केस ऐसे हैं जो उनकी वजह से आगे लोग संक्रमित हुए हैं, वहाँ पे लोग लोकल लेवल पे जो ट्रांसमिशन हुआ है लोकल लोगों में फैला है. लेकिन एक ये प्रश्न उठता है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है, एक दिन में 3-4 केस बढ़ते हैं मोटे मोटे तौर पे, कुछ एक दिन बीच में ऐसे भी आए जब एक भी केस नहीं बढ़ा. लेकिन जो दूसरे देशों की स्थिति है, यहाँ तक कि अमेरिका में भी बहुत बुरा हाल है इस टाइम, इंग्लैंड में भी, यूके में भी बहुत बुरा हाल है इस टाइम. अगर स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कोरोना के केस आने बहुत बढ़ जाते हैं, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? इसकी तैयारी करने के लिए मैंने एक डॉक्टर्स की टीम बनाई थी, 5 डॉक्टर्स की टीम. डॉक्टर सरीन जो कि ILBS के हेड हैं, उनके अध्यक्षता में उन डॉक्टर्स की टीम ने बहुत शानदार काम किया है. उन्होंने कल अपनी रिपोर्ट दी है सारी तैयारियों का प्लान बना के, कि आने वाले समय में अगर कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए दिल्ली के अंदर तो हमें क्या क्या तैयारियां करनी है. इसको उन्होंने 3 स्टेजेस में बांटा है. एक है कि अगर डेली 100 तक केस कोरोना के आते हैं, हर रोज 100 नए केस, अगर 100 से कम 100 नए केस कोरोना के आते हैं तो हमें क्या तैयारियां करनी है. दूसरी स्टेज, अगर 500 तक केस बढ़ जाते हैं, रोज 500 रोज केस आना शुरू हो जाते हैं, तो हमें क्या तैयारियां करनी है. और तीसरा कि अगर 1000 केस रोज आना चालू हो जाते हैं कोरोना के पॉजिटिव, रोज 1000 पेशेंट कोरोना के आना चालू हो जाते हैं, तो हमें क्या तैयारियां करनी है. अभी 100 तक केस अगर कोरोना के डेली आते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि किसी दिन 3 आ रहे हैं, किसी दिन 4 आ रहे हैं, अगर ये बढ़ के 100 पर डे भी हो जाते हैं, तो आज हमारे पास जो व्यवस्था है, आज हम जिस स्थिति में हैं, वो काफ़ी है. इसको हमने 4-5 चीज़ों में देखा है कि हमारे पास आइसोलेशन बेड्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी. अगर 100 केस होते हैं तो आइसोलेशन बेड्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 500 होते हैं तो आइसोलेशन बेड्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 1000 होते हैं तो आइसोलेशन बेड्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी. दूसरा, वेंटिलेटर्स, कितने वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी. अगर 100 केस होते हैं तो कितने वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, 500 होते हैं तो कितने की पड़ेगी, 1000 होते हैं तो कितने की पड़ेगी. कितने आईसीयू बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, हर स्टेज पे कितने कितने आईसीयू बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी. कितनी टेस्टिंग क्षमता की ज़रूरत पड़ेगी, कितने टेस्ट करने पड़ सकते हैं. अगर 100 पेशेंट डेली आ रहे हैं तो मोटे मोटे तौर पर हमें उन दिनों में कितने टेस्ट करने पड़ेंगे, दूसरों के, सस्पेक्ट्स के, फैले वालों के, कॉन्टैक्ट्स के, कितने टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी. 500 केस आते हैं तो कितने टेस्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी. और एम्बुलेंसेस की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 100 केस में कितने एम्बुलेंसेस, 500 में कितने एम्बुलेंसेस, 1000 में कितने एम्बुलेंसेस. कितने डॉक्टर्स नर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, वो डॉक्टर्स नर्सेज कैसे आएंगे, कहाँ रहेंगे, इस सब की बहुत डिटेल्ड प्लानिंग इन सब ने, इस डॉक्टर्स की टीम ने की है. तो 100 केस तक, जैसा मैंने बताया कि अभी फ़िलहाल हमारी तैयारी है, 100 से जैसे ही बढ़ते हैं तो इन्होंने प्लानिंग करके दी है कि हमें 100 से बढ़ने पे इन इन अस्पतालों के अंदर और तैयारियां करनी है. ये प्राइवेट अस्पताल को हमें इंक्लूड करना है, ये एम्बुलेंसेज यहाँ यहाँ से आएंगी, ये वेंटिलेटर यहाँ यहाँ से आएंगी. तो 100 से बढ़ते ही फिर हम वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चालू करेंगे. एक तरह से SOP तैयार हो गया हमारा, एक तरह से पूरी प्लानिंग तैयार हो गई. 100 से बढ़ने पे हमें ये स्टेप्स लेने हैं, वो उसकी सारी तैयारी है.
500 पे बढ़ने हमें पे हमें ये स्टेप्स लेने हैं। इनमें अभी 100 तक की जैसे मैंने कहा हमारी पूरी तैयारी है, उस पे बढ़ने पे अब जो जो कमियां हमें नजर आ रही हैं कि भाई 500 के ऊपर बढ़ गए तो हमारे मान लो वेंटिलेटर कम पड़ जाएंगे, तो उनकी अब जहां जहां हमें कमियां नजर आ रही हैं उन कमियों को हम सारी दूर कर रहे हैं। और इनकी प्लानिंग के हिसाब से 1,000 पेशेंट पर डे अगर बढ़ जाते हैं दिल्ली के अंदर, 1,000 पेशेंट पर डे, तो उसकी सारी तैयारी अभी हम करके चल रहे हैं, उस स्टेज की भी हम तैयारी करके चल रहे हैं। भगवान करे ऐसी स्थिति ना आए, मुझे उम्मीद है स्थिति नहीं आनी चाहिए। आज जो हम 4 पेशेंट 5 पेशेंट भी हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये भी कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। उसी स्थिति, ये लॉकडाउन जो किया है उसको कम करने के लिए किया है, बढ़ने के लिए नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर बढ़ता है तो हमें तैयार तो रहना चाहिए ना, तो उसकी हम लोगों ने पूरी तैयारी